हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है, आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन 2009 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चले आए देखते हैं किस तरह ये सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द स्कॉलर्स कंपनी परचेज अ मशीन ऑफ ₹250,000 ऑन January 1, 2005 हैविंग द सेवेज वैल्यू, सेवेज वैल्यू कहते हैं स्क्रैप वैल्यू को, ठीक है, सेवेज वैल्यू ऑफ 25,000। द कंपनी यूजेज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्ज 40% पर प्रीमियम। ठीक है, डेप्रिसिएशन 40% पर प्रीमियम चार्ज करती है और उन्होंने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल किया है डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए। ठीक है, अब डिमिनिशिंग को हम एक्सेलरेशन बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है बनिस्बत जो लास्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन निकलता है। ठीक है, उसके तो अभी देखते हैं कि भाई रिक्वायर्ड में क्या क्या गिवन है। ठीक है, कंप्यूट एंड रिकॉर्ड एनुअल डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2005 टू 2008, 2005 से लेके 2008 तक का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 2005 टू 2008 एंड शो पार्शियल बैलेंस शीट भी बनानी है ऑन December 31, 2008 की। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन मेथड में हम 40% से 2 लाख जो मशीन की परचेज की मशीन की जो कॉस्ट है ऑन January 1 को जो हमने परचेज़ की थी वो है 2,50,000। यानी 2,50,000 में से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 40% को तो आपके पास फर्स्ट मंथ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट डिवाइड बाय बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, और बुक वैल्यू किस तरह निकालोगे आप, कॉस्ट को जब माइनस कर दोगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिस इज दी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सेक्शन। ठीक है, यानी कि अब बुक वैल्यू कितनी बची, 1,50,000। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पर 40% यानी कि 40% इसका जब हम निकाला तो ये 1,00,000 रुपीज़ बन गया। ठीक है, 1,00,000 यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला। तो इसे कैलकुलेटर में करके देखते हैं एक दफ़ा। देखें, 2,50,000 थी हमारे मशीन की परचेजिंग प्राइस। ठीक है, इस प्राइस पे हमने मशीन परचेज किए ऑन January 1 को। ठीक है, अब एक साल के क्या बाद इस पे 40% डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से। ठीक है, तो ये कितना बना, 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब ये 1,00,000 रुपीज़ जो है वो ये रिड्यूस हो जाएगा 2,50,000 में से। ठीक है, उसको माइनस करेंगे 1,00,000 से तो ये कितना बचा, 1,50,000। अब हमारी कॉस्ट कितनी यानी कि बुक वैल्यू कितनी हुई हमारी मशीन की, 1,50,000। तो जब ये पहला साल ख़त्म हुआ 2005 ख़त्म हुआ तो 2006 में हम हमारी कॉस्ट जो मशीन की जो बुक वैल्यू है यानी कि अब मशीन की जो कीमत है वो 1,50,000 बच गई क्योंकि उसमें से 1,00,000 डेप्रिसिएट हो गया। ठीक है, अब 1,50,000 के ऊपर हम फिर से डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम 2,50,000 पे 40% नहीं लगाएंगे यानी कि दो जो हमारा नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से कम होगा। तो इसीलिए इस मेथड को हम डिमिनिशिंग मेथड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है वो सबसे ज़्यादा निकलता है और इसी वजह है कि हम इसे एक्सीलेटर जो नहीं बाइक में एक्सीलेशन जो देते हैं, एक्सीलेटर जो लगा होता है मतलब हम डायरेक्ट रेस देते हैं तो वो झटके से भागती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सीलेशन या डिमिनिशिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा। ठीक है, बनिस्बत लास्ट ईयर के। ठीक है, और लास्ट ईयर में सबसे कम निकलेगा क्योंकि हम फिर 40% उसकी नई बुक वैल्यू पे लगाते हैं, पुरानी बुक वैल्यू पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे 1,00,000 से ये कम हो गई, अब तो नई बुक वैल्यू कितनी हो गई, 1,50,000। तो 1,50,000 2006 जब ये साल शुरू हुआ 2006 तो उसमें हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी रह गई, 1,50,000। ठीक है, अब फिर 1,50,000 पे 40% लगेगा। ठीक है, 1,50,000 पे आप फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 40% से। ठीक है, तो फिर आप यहाँ के पास आ गया 60,000। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना निकला आपका, अभी 60,000। फिर 1,50,000 को माइनस कर दोगे 60,000 से तो फिर आपको आपके पास 2007 की जो कि आपका थर्ड ईयर है
उसकी आपके पास कॉस्ट आ जाएगी कि थर्ड ईयर में आपकी मशीन की कीमत कितनी बच गई, वो है 90,000। ठीक है, यहाँ पे ये आप यहाँ पे से क्लियर कर देते हैं। हमने माइनस किया 1,50,000 को 60,000 से, तो ये बन गया हमारा 90,000। ठीक है, अब 90,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालोगे कितना, 40%, तो ये बन गया आपका 36,000। ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये 36,000 आपका ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा 90,000 में से। ठीक है, तो आप इसे 90,000 को जब हम माइनस कर देंगे 36,000 से, तो ये बन गया आपका 54,000। ठीक है, अब ये 54,000 आपके फोर्थ ईयर का कॉस्ट होगी, फोर्थ ईयर की बुक वैल्यू होगी, आप उसको कहेंगे मशीन की कीमत, मशीन की कॉस्ट। ठीक है, कितनी बच गई, 54,000। अब ये 54,000 पे फिर से लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि है 40%। ठीक है, कितना निकलेगा, 21,000। ठीक है, तो जब आप 54,000 को माइनस कर दोगे 21,600 से, तो फिर आपके नेक्स्ट ईयर की मशीन की कॉस्ट कितनी बच गई, यानी कि मशीन की वैल्यू कितनी हो गई अब 32,400 की। ठीक है, डेप्रिसिएशन होकर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सारे निकाल लिए। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट में क्या बोला गया है भाई, कंस्ट्रक्ट अलाउंस द डेप्रिसिएशन अकाउंट कवरिंग द पीरियड ऑफ 2005 टिल 2008। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है क्योंकि फिर हम उसके बाद लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो अब इनकी जर्नल एंट्री में क्या करना है, आपको हर ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एक एंट्री पास करनी है और फिर उसको क्लोज करनी है। ठीक है, यानी कि अब देखें कि यहाँ पर 2005 में हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना निकला था, 1,000 का। ठीक है, तो अब इस ईयर में आप जर्नल एंट्री क्या पास करते हो अमूमन, अब यही पास करते हो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, सॉरी डेबिट, और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ आपने ये कर दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर क्लोजिंग एंट्री बनेगी। ठीक है, पहले यहाँ पर बनी जर्नल एंट्री, अब यहाँ पर बनेगी क्लोजिंग एंट्री। अब ये जो आपने जर्नल एंट्री बनाई, अब इसको आप क्लोज करोगे, कैसे क्लोज करोगे, किस में क्लोज करोगे, इनकम एंड रेवेन्यू समरी में। ठीक है, तो आप एक टेम्प्रेरी अकाउंट यहाँ पे खुलता है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का, इनकम समरी का। फिर ये आती है हमारी नेक्स्ट एंट्री, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2006 में अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60,000 था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जर्नल एंट्री बना दी भाई इसकी, 60,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को खोला, फिर यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, किस में, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। ठीक, इसी तरह आपने हर ईयर का कर दिया। ठीक है, तो ये आपके जर्नल जर्नल बन गए। फिर इसी तरह आपने लेजर पोस्टिंग भी यहाँ पर जिस तरह होती है टी अकाउंट्स आप अमून अमून बनाते हो, आपने इस तरह बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पर टी अकाउंट्स में होगा क्या कि अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो यहाँ पर जो बैलेंस है ना, ये क्योंकि अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन का है। ठीक है, वो ये जो अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो अक्यूमुलेटेड होता रहता है। ठीक है, जैसे पहले साल में 1,00,000 का डेप्रिसिएशन निकला, ठीक है, फिर दूसरे साल में 60,000 का निकला, तो ये अक्यूमुलेटेड होकर यानी कि एडअप होकर कितना हो गया, 160,000 का। ठीक है, फिर 36,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला, तो 36 ऐड करो 160 में, तो बन गया 196,000। ठीक है, यानी कि 1,96,000। फिर 21 निकला, तो इसको भी आपने यहाँ पर एडअप कर लिया, यानी कि अक्यूमुलेटेड कर लिया, क्योंकि अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड होता है। ठीक है, तो अब हम पार्शियल स्टेटमेंट बनाएंगे। पार्शियल स्टेटमेंट में सिर्फ आप मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो डालोगे, ठीक है, जो कि 250,000 है, और जो अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आप लेस कर दोगे मशीन में से, तो आपके पास मशीन की कॉस्ट आ जाएगी जो कि 32,400। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट आएगी ये कॉस्ट आपकी बिल्कुल बराबर होगी जो आपने लास्ट ईयर में आपकी मशीन की वैल्यू रह गई है 32,400 की। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।